हेलो एवरीवन। सो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 6 जुलाई। सो इस कंपनी में क्या था कि पहले काफ़ी स्टार्टिंग से अपट्रेंड अपने को मिला था, मोमेंटम काफ़ी अच्छा था पहले के टाइम में, यानी कि तकरीबन 6 महीने पहले कुछ इस जगहों पे। बट अभी कैंडल्स में क्या चल रहा है, कैंडल्स लगातार 6 मंथ से नीचे आती जा रही हैं। यहाँ पे एक कैंडल सपोर्ट भी ब्रेक किया है अपना, तो समझते हैं कि डेली चार्ट पे मूवमेंट चल क्या रही है, और अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक यानी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट के ऊपर में, ताकि चीज़ों को डीपली देखा जा सके। सो अपना स्टॉप लॉस था कुछ ये लेवल, हम कह सकते हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, हालांकि स्टॉप लॉस ऊपर भी था एक, बट मैं अगर अभी फिलहाल की बात करूँ तो यहाँ पे हम मान सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यहाँ पे कैंडल्स ने एक बार ब्रेक किया, देन फिर से ऊपर निकली, देन फिर से कैंडल्स ने ब्रेक कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कैंडल्स इस पॉइंट से ब्रेक करती ही जा रही हैं। यानी कि पहले देखो क्या हुआ था, अगर मैं ट्रेंड लाइन भी यहाँ से निकालूँ चेक करने के लिए कि क्या चीज़ें बन रही हैं, तो अभी तक कोई भी खास कुछ चीज़ अपने को इसमें नहीं दिख रही, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि जो अप ट्रेंड को दिखा पाए कि हाँ यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब करना क्या है इसके अंदर में, कि रुक के वेट करके देखना है कि फ्यूचर में कैंडल्स अगर ब्रेकआउट करती हैं अपने इस ट्रेंड लाइन का जो ऊपर से निकल रही है, तो माइट भी हो सकता है कि ऊपर जाने को कैंडल्स ट्राई करें, यानी कि फिर से कोई अप ट्रेंड के लिए आ पाए। अगर इस ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस का बना हुआ है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन से बनी हुई है, तो हो सकता है कि कैंडल्स लगातार यहाँ से उठी थी वहाँ पर ही वापस पहुँची है। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स इस पार्ट में ज़्यादा थे, ठीक है, एंड फिलहाल के टाइम में वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के वॉल्यूम हो इस टाइम पे। अगर इन फ्यूचर वॉल्यूम्स बन जाते हैं कोई ब्रेकआउट के साथ में और ये लेवल क्रॉस कर जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर से कैंडल चलने के लिए तैयार हो जाए। सो देखते हैं फ्यूचर में क्या चीज़ें बन सकती हैं, कैसे कैसे ब्रेकआउट्स आएंगे, बट फिलहाल के लिए से दूर रहना अच्छा रहेगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक। ठीक है, सो देखते हैं फ्यूचर में क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।